आई एम सपना प्रकाश, फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया एंड करंटली फ्रॉम पटना बिहार एंड आई एम गेट अकेडमी लाइव क्लास स्टूडेंट. हाय, आई एम ज्योति प्रकाश, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम पीसीई पूर्णिया एंड आई एम फ्रॉम बिहार. वी बोथ एंजॉय द सेशन ऑफ गेट अकेडमी वेरी मच. एंड थर्ड में को जब एनालॉग की क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं एनालॉग लेने के बारे में नहीं सोची थी. इनफैक्ट दाने सर से पहले यूट्यूब में उतना सेशंस मैं फॉलो नहीं करती थी दाने सर की. बट मैंने सोचा कि चलो नॉमिनल सी फीस थी तो मैंने सोचा चलो एक बार ले लेती हूँ. और वैसे भी लॉकडाउन का समय था तो मैं सोची कि चलो एक बार लेके तो देखती हूँ. वैसे भी मैंने कि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में समझ में नहीं आता कि पीपल बहुत डिमोटिवेटेड रहते, पता नहीं चलता कि क्या करें. जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है कभी एसएससी जेई का तो कभी किसी चीज का भी, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग मतलब भटक जा रहे थे. कभी सोचा नहीं था कि गेट अकेडमी चाहे गेट हम लोग को करना है, लेकिन जब से गेट अकेडमी ज्वाइन किया तब से हम लोग गेट एक्सपीरियंस बने. इनफैक्ट हम लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो हम लोग जॉब ओरिएंटेशन के प्रति ज्यादा ध्यान रखते हैं और गेट के प्रति उतना मतलब कभी सोचे नहीं थे. इनफैक्ट इंटरेस्टेड नहीं थे हम लोग. जब एनालॉग क्लास स्टार्ट हुआ जब 3-3 बजे रात तक क्लास चलने लगी तो मुझे समझ आया कि एक मतलब नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक रात भी कम पड़ जाए. मतलब हर एक चीज में इतना डेप्थ है, नॉलेज का डेप्थ और टेक्निकल का डेप्थ. तो मुझे तब समझ आया जब मैंने धाने सर की क्लास स्टार्ट हुई तो मैं समझी कि नहीं सही में टेक्निकल मजा क्या है. बहुत अच्छा लगा, महसूस बहुत अच्छा हुआ. तब जाके फैसला लिया कि नहीं एक बार अब मुझे फुल कोर्स भी लेने की जरूरत है. क्योंकि हर एक चीज में मुझे लगता था कि हाँ कुछ कुछ तो पता है मैं, क्योंकि मैंने एक बार डिप्लोमा किया है तो सारे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे. बट मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ लेकिन गेट के लिए तो हायर लेवल की प्रिपरेशन चाहिए. अब समझ में नहीं. अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग, मेरा तो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सपना का है तो इलेक्ट्रिकल है, ट्रिपल ही ब्रांच है तो हम लोग फिर भी कंबाइन हम लोग पढ़ पाते हैं. क्योंकि धांधे सर का क्लास तो मतलब हम लोग छोड़ना चाहते ही नहीं. धांधे सर पूरे गेट अकेडमी की टीम बहुत फैबुलस है. यहाँ सर बहुत सारे सब्जेक्ट लेते हैं ना. इनफैक्ट एप्टीट्यूड के लिए हम लोग के पास सौरभ सर हैं, गुरुपाल सर हैं, सिग्नल सिस्टम के लिए नीरज सर है, बहुत अच्छे अच्छे वरुण सर है मशीन के लिए, दीप्तांशु सर है पावर सिस्टम के लिए, अभी 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 करेंटली चल रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए रवि सर आए हैं. तो धांधे सर का वो सब्जेक्ट है बट अब अभी अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है. और धांधे सर तो मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब एक तरह से गॉड समझो उनको, क्योंकि वो नेटवर्क ले रहे हैं. सबसे बेसिक सब्जेक्ट धांधे सर तीन सब्जेक्ट ले रहे हैं, तीनों बहुत जबरदस्त है. हम लोग एनालॉग से इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किए और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, उसके बाद नेटवर्क थ्योरी हुआ, अभी कंट्रोल सिस्टम चल रहा है. और तीनों में बहुत जबरदस्त था. मतलब पता नहीं चल रहा है गेट अकेडमी के सारे टीचर इतने फैबुलस सर कहां से लाए हैं. पूरी मतलब टीम जो है वो कंबाइंडली बहुत बेस्ट है गेट एस्पिरेंट्स के लिए. अगर मेरा कोई सुने कि हाँ गेट के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा कोचिंग क्लासेस या फिर कुछ भी, तो मैं कहूंगी कि हाँ गेट अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक मतलब क्रिएटिविटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ा रहे, क्योंकि पढ़ता सबको ही, ऐसा नहीं. डिमोटिवेट होने से बचाते हैं जो नॉलेज का जो डेप्थ है हर एक सब्जेक्ट का वो बहुत अच्छा रहा है. हमेशा हम ये देखें कि डेप्थ बहुत ज्यादा सर लोग का रहा है. सर लोग का शेड्यूलिंग बहुत अच्छा रहा. इनफैक्ट एनालॉग की क्लासेस तो बहुत रात से स्टार्ट होती थी और रात रात भर चलती थी. इनफैक्ट 2 बजे हम बहुत एंजॉय करते थे, मतलब नींद उड़ा के एंजॉय करते थे. ऐसा पढ़ाई ऐसे होती है समझ ही नहीं आता था. इतना डिफरेंस होता पढ़ाई में. मतलब अपने पास साकेत सर EMTK हो गए, उन लोगों ने बहुत क्लासेस लिए हैं. क्लासेस तो बहुत अभी देखिए अभी जैसे चल रहे हैं ना, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही है तो वो भी 6-6 आवर्स चल रही है एक दिन में. ताकि अभी थोड़ा सा ऐसा पार्ट है कि सर 6 मंथ में सर अपना कोर्स लॉन्च किए 6 मंथ पहले. और मतलब गेट की क्लासेस ऐसा तो नहीं होते कि 6 मंथ में आप प्रिपरेशन कर लो, लेकिन सर का प्लानिंग का पार्ट इतना अच्छा रहता है, शेड्यूलिंग इतना बेस्ट रहता है कि हाँ कोई 6 मंथ में भी सोच सकता है कि हाँ हमको गेट करना है. क्योंकि हम खुद रियलाइज हम पहले बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते थे कि हाँ गेट करना, लेकिन एक बार एनालॉग का क्लास देखे तो हम एकदम सर के फैन हो. फिर सोचे नहीं हम लोग पास ऐसा बुकलेट है
तो ये ऐसा टैबलेट अभी हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें है कि सारा सॉल्यूशंस है और ऐसा ऐसा प्रैक्टिस ऐसा ऐसा मतलब पूरा सब कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारा है, 12 है सब्जेक्ट, तो 12 होता है। और इसमें है ना कि आपको क्या मिलेगा कि इसके अंदर डिजिटली हम डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और इसके अंदर आंसर शीट है, तो आप अपना प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा। और सर इसमें से बहुत कुछ सर बनवाते हैं, मतलब जितना सर का पार्ट है बनवाने का वो भी बनवा लेते हैं, और ये इसमें प्रैक्टिस सेट भी तो वो भी बनता है, एक बैग भी मिला है गिफ्ट के तौर पर सर की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगा वो सभी पार्ट सर का। मतलब सर हमेशा गिफ्ट डिलीवरी में तो इंडिया बहुत पीछे रहता है, फिर भी सर इतना लॉकडाउन होते हुए भी सर का सब कुछ, मतलब हम लोग को लग रहा था अभी लॉकडाउन का पार्ट है चल रहा है, सर का मैनेजमेंट का पार्ट तो मतलब जबरदस्त है, उनसे तो पूरा इंडिया में से सर का लोहा मनवा लिया है सब कुछ, मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग और प्लानिंग के नाम पे। मोटिवेशन उनका जबरदस्त रहता है, क्योंकि मोटिवेशन मतलब जो आदमी लॉकडाउन के दौरान मोटिवेशन कर सकता है वो आदमी क्यों नहीं कर सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब मोटिवेशन के नाम उनका मॉर्निंग इंडिया करके भी सर का आता है, तो वो भी मैं डेली देखती हूँ, सर देखती हूँ सर की बहुत ज्यादा, मतलब हम भी देखते बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं हमेशा, मतलब पहले उठते ही मैंने पहले वही देखना है, उसके बाद ही कुछ देखना है, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो सब तो है, जैसे अब अभी हम लोग सोचते रहते हैं हमेशा कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए, हमेशा जैसे डिमोटिवेटेड होते सर, हमेशा वो सब चीज से हम लोग को बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा गेट हो जाएगा रैंकर्स बनना है, नहीं, हमेशा नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट सर, एक्सरसाइज करते हैं कि नॉलेज लेने का एक एटीट्यूड होना चाहिए इंसान में, कि नॉलेज कैसे लिया जाता है वो सर सिखाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सिर्फ पढ़ा रहे सर, एक लर्निंग का पार्ट है। जैसे वरुण सर का हमको मशीन का विजुलाइजेशन का पार्ट सबसे अच्छा लगा, सौरभ सर का मतलब एप्टीट्यूड टेक्निकल एप्टीट्यूड का इतना बेस्ट सर है, मतलब लव यू सौरभ सर, लव यू सर, बिकॉज मतलब वो ही एक जो धाने सर के कॉम्पिटिटर है, I can't tell you how I enjoyed aptitude sir, just बहुत fabulous teacher, नीरज सर है सिग्नल सिस्टम के, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा है, दीपांशु सर हाँ बहुत अच्छा, उन्होंने टेक्निकली लव करवा दिया, उन्होंने टेक्निकल चीज से लव करवा दिया, पता नहीं चलता कैसे इतनी डेफिनेशन में चीजें पढ़ी जाती है, कभी समझा नहीं था, लेकिन लव मतलब टेक्निकल लव कैसे, 9-9 घंटे क्लासेस चलते हैं बट पता नहीं चलता, और मैं मोबाइल से देखती हूँ फिर भी मुझे पता नहीं चलता, हम दोनों देखते हैं भी, जो लोग लैपटॉप से देखते हैं वो तो खैर गजब का एंजॉय कर रहे हैं, मतलब गजब मस्त मस्त मूवी चल रहा है बस, और कुछ नहीं, मतलब लगता है कि पढ़ने में कोई फर्क ही नहीं, ऐसा लगता है मानो, और डेप्थ उतना ही, डेप्थ में इतना मजा है कि कहिए मतलब। अब टेक्निकल लव आप समझ सकते हैं कि लव में तो मजा होता ही है, लेकिन टेक्निकल लव में जो मजा है वो लव से भी ज्यादा है, मतलब गजब का एम्फेसाइज करते हैं सर लोग, गजब मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। और सर का जो हम लोग अभी सर को ट्रिब्यूट देने आए हैं कि सर गेट एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू देने आए हैं, इसलिए लव यू धान्य सर, लव यू गेट एकेडमी, थैंक यू सो मच।